तो अब जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ, जिस रेमेडी पे बेसिकली, वो ड्रिंक कॉफ़ी विद लेमन है और ये काफ़ी वायरल सी है। तो अब देखते हैं कि इसमें अब क्या देखना था हमने इसके अंदर। तो आज मैं जिस वीडियो पे, जिस रेमेडी पे रिएक्शन देने वाली हूँ, इसका नाम है ड्रिंक कॉफ़ी विद लेमन। और ये क्लेम ये करती है रेमेडी के, इसके थ्रू आपका बॉडी फैट जो है वो बर्न होगा और एक वीक में ऑलमोस्ट आप 5 kg वेट रिड्यूस करोगे। तो अब देखते हैं मिलके इस वीडियो को कि क्या वाकई में इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और मैं आपको एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी कि क्या वाकई में आपको ये फॉलो करनी है या नहीं करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, तो बेसिकली इसमें है क्या कि उसने एक से दो ग्लास पानी लिया है, उसमें उसको कुछ टेबल स्पून जो है कॉफ़ी के ऐड करनी है और एक लेमन ऐड करना है, पर अभी वो प्रॉपर प्रोसीजर भी आपको बताएगी। सबसे पहले जो है हमने पानी लेना है, ठीक है। मैं 2 गिलास पानी लेती थी और मैं 2 गिलास ही बनाती थी, क्योंकि मैं एक सुबह के लिए बनाती थी और एक बनाती थी, क्योंकि ना इस रेमेडी को आप फ्रीज भी कर सकते हो, ये भी टेंशन नहीं है कि यार बार बार बनानी पड़ेगी, आप सुबह ही बना सकते हो। आप बेशक 3 गिलास बनाओ, 2 गिलास बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। तो एक हमने सॉस पैन लिया, उसके अंदर हमने पानी डाला, तो अभी मैंने 1 गिलास पानी डाला है, अभी मैं 1 गिलास पानी और लेकर आऊँगी। अच्छा, पानी जो है ना वो हमारा है नेस्ले का फिल्टर वाला, आप कोई भी पानी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी लोग जो है वो डिटॉक्सिफाई वाटर भी यूज़ करते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पानी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद लीमू चाहिए, लीमू को जो है आपने कट कर लेना है, 2 पीस कर लें या 4 पीस कर लें, अगर लीमू जो है वो रस वाला नहीं है, थोड़ी देर उसको गर्म पानी में डिप करके रखें, रस निकल आएगा। उसके बाद जो है आपने लीमू का रस निकालना है, 1 गिलास पानी, 1 साशा कॉफ़ी का और 1 लीमू चाहिए होता है हमें। बस अंदर जो है आप शहद भी ऐड कर सकते हो अगर आप ऐड करना चाहते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉफी जो है ना वो इट सेल्फ बहुत ही ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करती है और आपका फैट बर्न करती है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी जैसे इन्होंने बोला, एक क्लेम इन्होंने ये किया कि ये फैट बर्न करती है। तो एक बात जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि या तो वो कॉफ़ी हो या फिर वो लेमन हो, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आपका फैट बर्न नहीं करती है। ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आपका फैट बर्न करेगी। हाँ, ये काफ़ी हद तक आपका वेट रिड्यूस करवाने में हेल्पफुल रहती है, पर इट्स नॉट अ फैट बर्नर। लीमू जो हम यूज़ कर रहे हैं, लीमू भी आपको पता है रिच होता है विटामिन सी में, ठीक है। तो अगर आप बड़े वाला कॉफ़ी वाला जार नहीं ले सकते हो, तो आप छोटे पैकेट भी ले सकते हो, उसके वो भी आसानी से मिल जाते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले हम लीमू का रस निकालेंगे, ठीक है। लीमू के अंदर आपको पता है विटामिन सी रिच मिकदार में लीमू फैट बर्न करने के लिए शुरू से यूज़ हो रहा है, ठीक है। कॉफ़ी भी जो है वो सबको पता नहीं, लेकिन कॉफ़ी भी बहुत ही ज़्यादा आपका जो ब्लैक कॉफ़ी होती है ना, वो आपका वेट लूज़ करती है बहुत ही ज़्यादा, और आपकी स्किन को भी अच्छा करती है और आपके बालों को भी अच्छा करती है। गिलास में गर्म पानी को डालेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे, रेमेडी तैयार है। तो रेमेडी आप लोगों ने देख ली, इतनी आसान रेमेडी, इतनी आसान रेमेडी, इतनी आसान रेमेडी। अगर ये भी आप लोग नहीं करोगे ना, तो आप फ्री ना आपके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है खाली वीडियो देखती है वो, और करती वरती कुछ नहीं है, मतलब उनको लगता है वीडियो देखने से ही वेट कम जाएगा, तो ऐसा नहीं होता मेरी प्यारी बहनों, थोड़ा सा हिलना पड़ता है वो वेट कम करना है। बिल्कुल सही बात ये ना, कि थोड़ा सा हिलना पड़ता है, लेकिन सिर्फ रेमेडी पे ही आपने डिपेंडेंट नहीं रहना होता। आप एक्सरसाइज भी नहीं करनी, रस्से भी नहीं कूदने, डाइटिंग भी नहीं करनी, तो इसको बनाने के लिए तो आपको हिलना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल चीज़ है, कॉफ़ी चाहिए, लीमू चाहिए और पानी चाहिए, जो कि हर घर में होती है। लीमू बहुत एक्सपेंसिव हुआ है, हाँ 1600 रुपये किलो, और रस निकलने रहा लीमू के अंदर, ये है मसला ना। सिर्फ कॉफ़ी भी जो है ना वो बहुत, चले मैं कांस लेकर आई यहीं बैठे, सॉरी मुझे नहीं पता था भाई मेरा बंदा, अच्छा क्योंकि मेरा बंदा लेके आता है लीमू, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो 1600 आता है, ठीक है, आज 700 रुपये किलो, मुबारक हो, मुबारक हो, रेमेडी आज बोले लीमू सस्ते हो गए, थैंक यू लगा रहा। कॉफ़ी जो है ना इट सेल्फ बहुत वेट लूज करती है, क्योंकि मैंने जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो मुझे, क्योंकि मेरा सी सेक्शन मेजर हुआ था, तो मुझे क्या हुआ था, मैं सोई नहीं थी और मुझे इतना सीवियर किस्म का पीछे जो गर्दन में पेन होता है, गर्दन खींचती है, गर्दन सीधी नहीं हो रही, तो इस तक गर्दन टूट जाएगी, वो वाला पेन था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप ना कॉफ़ी पिए, और मैं कॉफ़ी मुझे इसलिए ना सर टेस्ट भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पी हुई और इससे गंदी वाली पी हुई है। तो उबलते हुए पानी के अंदर ना मुझे वकास जो है ना वो 2 चम्मच कॉफ़ी के मिक्सर देते थे, और मैं वो दिन में 3-4 दफ़ा पी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि इन्होंने बोला कि सी सेक्शन के बाद इन्होंने ये रेमेडी फॉलो की है, तो फॉर वीमेन हुआ नर्सिंग मदर्स बेसिकली, उनके लिए इट्स अ बिग नो कि वो ये बिल्कुल यूज़ ना करें। और उसका रीज़न ये है कि जब आप एक नर्सिंग मदर होते हो, आप अपने बेबी को खुद फीड करवा रहे होते हो, तो उस टाइम पे जो न्यूट्रिएंट्स आप ले रही होते हो, वो आपकी बेबी में भी पास ऑन हो रही होती हैं। और आपको आइडिया तो होगा कि कॉफ़ी में कैफीन कितनी ज़्यादा होती है, और कैफीन बेसिकली ग्रोथ को डी प्रोमोट करती है। अब यहाँ पे 2 ड्रॉबैक्स हैं इसके, पहला तो ये
कि अगर आप दो से तीन बार, जैसे कि इन्होंने बोला कि ये तीन से चार बार लेती थी, तो जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो कैफीन दो तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। एक तो इस तरह से कि आपकी बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो स्टॉप हो जाएगी, और सेकेंडली आपका जो मिल्क सप्लाई है वो भी काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट होगा। तो अब आगे देखते हैं कि बाकी क्या क्लेम्स हैं जो कि ये कह रही हैं। और उससे मेरा इतना वेट लूज हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, अब आज के बाद मेरा वेट जो है वो 48 पे आ गया था, और मेरा जो डिलीवरी का टाइम लास्ट वेट था ना वो 60 पे गया था। तो सिर्फ कॉफ़ी पी थी, तो क्योंकि मैं सी सेक्शन में ना अपने कहवा भी पी नहीं सकती थी क्योंकि मैं उठने के काबिल नहीं थी, तो मैंने बाद में उठने के बाद जो है वो थोड़े बहुत कहवे वगैरह पी थे, लेकिन मेरा कॉफ़ी से ही बहुत वेट लूज हुआ था। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरा इतना जल्दी 7 दिन के अंदर वेट कैसे सारा वो, हालांकि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था मुझे इतनी स्वेलिंग थी जो आता था ना मिलने के लिए, मुझे बोलता था तुम कैसे कवर करोगी यार, तुम्हें वीडियोज़ बनानी होती, तुम इतनी मोटी हुई हो, तुम कैसे कवर करोगे। मैं खुद भी टेंशन में थी, हाथ भर ये सूजे हुए थे, आप लोगों ने देखा नहीं था, आप लोगों ने मुझे तीसरे चौथे दिन देखा था ऑपरेशन के बाद, क्योंकि उस टाइम मेरी इतनी कंडीशन भी नहीं थी ना मुझे इतनी अवेयरनेस थी उस टाइम पर, किन चीज़ों की वीडियोज़ बनानी चाहिए, इससे भी व्यूज़ आते हैं, मैं जरूर बनाती, मैं प्रेगनेंसी की वीडियोज़ बनाती, डिलीवरी की बनाती, मैं मुझे तब समझ नहीं थी कि यार इनकी वीडियोज़ बनानी चाहिए। पीने का तरीका ये है कि आप इसको निहार मुँह भी पी सकते हो, लेकिन काफ़ी लोगों को निहार मुँह चीज़ें सूट नहीं करती, मुझे सूट करती है क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप निहार मुँह भी पी सकते हो, तो आइडिया तो होगा कि अगर आप लेमन यूज़ कर रहे हो कॉफ़ी के अंदर, और लेमन काफ़ी हद तक एसिडिक होता है, तो वो पेशेंट जिनको स्टमक इश्यूज़ होते हैं एसिडिटी का, हार्ट बर्न का, तो वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर वो लेंगे तो उनको हार्ट बर्न जो है काफ़ी हद तक साथ ही एसिडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा फील होगी। तो निहार मुँह तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं आपको लेनी चाहिए। मुझे आदत है, लेकिन काफ़ी लोगों को मेदे का इशू होता है, ठीक है, तो आप इसको निहार मुँह नहीं पीना चाहते। अगर मतलब एक ऐसा होता है कि आप सुबह पिए एक गिलास और एक गिलास रात को सोते वक्त पिए, कि लास्ट में आपने बस ये वाला पीना है, ब्रश करना और सो जाना है, ठीक है, तो इससे आप नोट करोगे कि एक हफ्ते में आप 5 kg से ज़्यादा वेट कम कर सकते हो अपना, और एक्स्ट्रा चर्बी जो है आपकी बर्न जाती है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप हर खाने के बाद, नाश्ते के बाद पियो, लंच के बाद पियो और डिनर के बाद। अब यहाँ पे था कि आपने 3 से 4 बार पीनी है, जो कि बिल्कुल भी सेफ रेंजेस नहीं होती, कि अगर आप कॉफ़ी ले रहे हो साथ, आप उसमें एक कॉम्बिनेशन होता है लेमन का और कॉफ़ी का, और अगर आप 3 से 4 बार ले रहे हो तो आपको काफ़ी हद तक साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी सेफ रेंजेस नहीं है ये पीने की। ठीक है, इसको पीती हूँ आप लोगों के सामने, ठंडा करके पीना, अभी भी ये गर्म है, और आपने इसको उबलता हुआ अभी नहीं पीना, जैसे हम चाय पीते हैं, जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं, आपने सेम इसको ऐसे ही पीना है, ठंडा करके पियेंगे तो फ़ायदा नहीं है। काफ़ी मज़े का लग रहा है मुझे तो टेस्ट होगा, क्योंकि कॉफ़ी और लेमन मिक्स हुआ हुआ है, और ये दोनों चीज़ें ऐसी, अच्छा इससे आपकी स्किन भी बहुत प्यारी होती है। अभी देखिए मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ, इतनी प्यारी स्किन हो जाती है आपकी इससे, ऐसे ना आपकी स्किन का पूरा ग्लो आता है और सही फ्रेश स्किन हो जाती है आपकी, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई। तो ये जहाँ तक स्किन का क्लेम किया गया ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि अगर कॉफ़ी में देखो तो CGI है, क्लोरोजेनिक एसिड होता है, और लेमन में विटामिन सी होता है जो कि आपकी कोलेजन जो है उसको इंक्रीज करवाता है, और कोलेजन बेसिकली प्रोटीन होती है जिससे आपकी स्किन जो है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है ना, तो बॉडी डिटॉक्सीफाई हो रही है, इसका मतलब है कि सारे जो फ्री रेडिकल्स वगैरह वो आपकी बॉडी से डिटॉक्सीफाई हो रहे हैं, गंद कचरा सब आपकी बॉडी से डिटॉक्सीफाई हो रहा है, क्योंकि यूरिन बहुत ज्यादा आता है, तो गुर्दे भी जो है अच्छे से फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यारी कि आपके तो वाओ यार इतनी अच्छी स्किन हुई है, इतनी ग्लो कर रही है स्किन, और ऐसे चीक्स भी आपके पिंक पिंक हो जाते हैं। तो चलो इसको पूरा फिनिश करती हूँ भाई, इसको पीने के बाद ना आपका गला भी सही साफ हो जाता है, खुल जाता है आपका गला, सही आवाज निकलती है आपके हलक से। तो भाई ये रेमेडी मेरी तरफ से तो हिट है और फिट है, आप लोग जरूर ट्राई करें, इससे आपका भी वेट इससे कम हो जाएगा, और आप जिसको मस्त वाला शादी होने वाली है या कुछ भी होने वाला है, आप वेट अपना कम करना चाहते हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये रेमेडी टेस्ट आउट करनी है, हफ्ते बाद अपने रिव्यू शेयर करने हैं मेरे साथ, और अपने पूरे खानदान में इसको शेयर करना है, आपके खानदान में कोई भी मोटा बंदा या बंदी है उसको भी ये वीडियो शेयर करनी है कि ये वीडियो तेरे लिए, ठीक है। तो ये थी जो वो रेमेडी जिसके बारे जिस पे हमने रिएक्शन दिया था, देना था, और हमने काफ़ी हद तक देखा कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो कुछ अब मैं कंफ्यूजन ये इसके साथ ये करूँगी कि पहले तो इसमें जो क्लेम्स किए गए थे काफ़ी हद तक वो जो थे वो गलत भी थे, फॉल्स क्लेम्स थे। पहला जो था वो ये था कि आपका ये फैट बर्नर है, फैट बर्नर तो बिल्कुल नहीं है, ना कॉफ़ी ना ही लेमन, हाँ आपका वेट रिड्यूस करवाते हैं, और अगर आप एक्सरसाइज के साथ लेते हो, एक्सरसाइज करने के बाद लेते हो, तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको इंक्रीज़ करवाता है, लेकिन बेसिकली ये फैट बर्नर नहीं है। सेकंड जो क्लेम था वो ये था कि सर दर्द वगैरह में भी आप ले सकते हो, तो सर दर्द को देखा जाए, उस पॉइंट को देखा जाए, तो क्योंकि इसमें कैफ़ीन है तो आप सर दर्द के लिए तो ले सकते हो, लेकिन कुछ कैफ़ीन के साथ, कॉफ़ी के साथ अगर आप कंबाइन करते हो कुछ
फूड प्रोडक्ट्स को, तो तब कॉफ़ी एज अ हेडेक ट्रिगर भी यूज़ हो सकती है, मतलब वो आपके सर दर्द को बढ़ा भी सकती है, ख़ास तौर पे अगर आप सिट्रस फ्रूट्स के साथ लेते हो, और लेमन इट्सेल्फ इज़ अ सिट्रस फ्रूट, ये एक खुद ही एक सिट्रस फ्रूट है, तो उस टाइम पे तो बिल्कुल भी ये आपके लिए प्रेफरेबल नहीं रहता। थर्ड जो इन्होंने क्लेम किया वो ये था कि इससे आपकी स्किन जो है वो बेहतर होती है, जो काफ़ी हद तक थोड़ा सा बेहतर सही भी है, सच भी है, कि क्योंकि इसमें लेमन भी है, कॉफ़ी भी है, और दोनों में ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि स्किन के लिए बेहतर होते हैं काफ़ी हद तक। प्लस एंड पे जो उन्होंने क्लेम किया वो ये था कि ये आप सी सेक्शन के बाद भी ले सकते हो, मतलब आप डिलीवरी के बाद भी ले सकते हो, जो कि कम्प्लीटली एक फॉल्स क्लेम है। अगर आपकी डिलीवरी हुई है प्रेगनेंसी के बाद, तो उस टाइम पे वो ऐसा टाइम होता है जब आपने अपने बेबी को खुद फीड करवाना होता है, ख़ास तौर पे अगर आप एक नर्सिंग मदर हो, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल भी आपके लिए प्रेफरेबल नहीं है, ना ही आपके लिए सूटेबल है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी बेबी की हेल्थ के लिए भी सूटेबल नहीं है। और रीज़न ये होती है कि कैफीन जो है वो बिल्कुल भी सूटेबल इसलिए नहीं होती कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पास ऑन होते हैं आपकी बेबी को, जो भी आप खाते हो उसका प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बेबी की ग्रोथ पे, तो इसमें कैफीन भी है, इसमें सिट्रिक एसिड भी है, तो ये वो ऐसे कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि आपकी बेबी की जो नर्वस सिस्टम है वो बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है, उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, और प्लस आपका मिल्क सप्लाई जो है वो भी जो है कम हो सकता है, मतलब उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही हम लोगों ने कंक्लूजन निकाली है। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए कॉफ़ी और लेमन की कॉम्बिनेशन को, तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन ऑल्टरनेटिव डेज पे अगर आप लो, और प्लस आप इसको निहार मुंह ना लो, एम्प्टी स्टमक आपने ये नहीं लेनी, क्योंकि इसमें लीमू डाला गया है जो कि सिट्रस फ्रूट है, और काफ़ी लोगों को इससे एसिडिटी वगैरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ इस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती है कि अगर आप लेना भी चाह रहे हो तो एक दिन में या तो 3 से 4 सर्विंग्स तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, जैसा कि इसमें क्लेम किया गया था कि आप 3 से 4 सर्विंग्स लेंगे दिन में तो आपका 5 kg वेट रिड्यूस होगा, जो कि बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। पहली बात तो ये कि अगर आप एक वीक में 5 kg वेट रिड्यूस भी करते हो तो वो हेल्दी वेट रिडक्शन नहीं होती है, तो उस चीज़ को कंसीडर करते हुए, और दूसरा इसकी सर्विंग को कंसीडर करते हुए, क्योंकि अगर दोनों इंग्रेडिएंट्स को देखा जाए तो ये अच्छे हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन आपने लेना किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर आप ले भी रहे हैं तो आपने एक कप से ज़्यादा ये नहीं लेनी, और ऑल्टरनेटिव डेज पे लेनी है, मतलब एक दिन या दो दिन छोड़ के फिर आप ले सकते हो, ना तो आप इसको 3 से 4 कप एक दिन में ले सकते हो, ना ही आप इसको डेली बेसिस पे ले सकते हो, क्योंकि इससे आपको एडिक्शन भी हो सकती है, और अगर आप प्रेग्नेंट वूमेन हो या फिर आप जो है एक नर्सिंग मदर हो, तो तब तो आपने ये बिल्कुल नहीं लेनी, 3 से 4 कप तो आपने बिल्कुल नहीं लेने फिर। तो अब इस रिएक्शन वीडियो के बाद मैं एक और भी बात ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि किसी को डिग्रेड किया जाए, या फिर इसका मकसद ये हो कि हम किसी को गलत प्रूफ कर रहे हों, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती, प्रोफेशंस डिफरेंट होते हैं सबके, और एक प्रोफेशनल इंसान ही बता सकते हैं कि क्या आपको ये चीज़ उनसे रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल भी आप इसको उस वे में मत समझिएगा। और सेकंडली अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसा आपको ये रिएक्शन लगा, और मज़ीद अगर आप किसी और रेमेडीज़ पे रिएक्शन देखना चाह रहे हैं तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं।